मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे कद की गायों को चारा खिलाते नजर आए। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस गाय को बछड़ा बता रहे हैं, तो कुछ इन गायों की मासूमियत के दीवाने हो रहे हैं। आखिर क्यों ये गाय है इतनी खास और कहाँ है इनका मूल निवास, इसी से जुड़ी है ये रिपोर्ट। मकर संक्रांति की सुबह पीएम मोदी की ये तस्वीर खूब वायरल हुई। इसकी बड़ी वजह थी 3 फीट तक की पुंगनूर गाय। जी हाँ, आंध्र प्रदेश की पुंगनूर नस्ल की ये गाय दुनिया की सबसे छोटी गायों की नस्लों में से एक है। हिंदुस्तान में 43 से अधिक देसी गायों की नस्लें हैं। इन्हीं में से एक है पुंगनूर गाय, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कायल हैं। भारत की हर देसी गाय की नस्ल अपने आप में खास है। ऐसी ही एक विलुप्त होती गाय की नस्ल है पुंगनूर, जो अपने छोटे कद के लिए मशहूर है। इसे अब संरक्षित करने की दिशा में काम चल रहा है। आम गाय के दूध में जहां 3.5% फैट होता है, वहीं पुंगनूर में 8% फैट पाया जाता है। 110 से 200 किलोग्राम वजन वाली ये गाय एक दिन में 2 से 3 लीटर तक दूध देती है। अगर इसके चारे की बात करें तो ये गाय एक दिन में 5 किलो तक चारा खा लेती है। पुंगनूर मुख्य रूप से दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की नस्ल है। गाय की इस नस्ल का नाम दक्कन पठार के दक्षिण पूर्वी सिरे पर स्थित चित्तूर जिले के पुंगनूर के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के लिंगमपट्टी गांव में 4 एकड़ में फैली नादिपति गौशाला में पुंगनूर नस्ल के 1058 गौवंश हैं, जिसे करीब 16 साल पहले कृष्णम राजू ने एक गाय से शुरू किया था। यहां पर कृष्णम राजू पुंगनूर गायों का संरक्षण कर रहे हैं। वो आगे कहते हैं, पुंगनूर एक प्राचीन नस्ल है जिसे ऋषि मुनि भी पाला करते थे। इस छोटी गाय को ज्यादा खिलाना भी नहीं होता, जबकि इसका दूध भी बढ़िया होता है। लेकिन धीरे धीरे विदेशी नस्लों के आने के बाद से हमारे देश की पुरानी नस्लें विलुप्त होने लगी। उन्हीं में से एक पुंगनूर भी थी। पुंगनूर गाय की सबसे खास बात यह है कि इसको खाना बहुत कम खिलाना पड़ता है और इसका दूध भी काफी अच्छा और पौष्टिक होता है। इस गाय की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सूखा प्रतिरोधी किस्म होती है, इसलिए दक्षिण भारत में इसे लोग पाला करते हैं। कृष्णम के अनुसार उनकी गौशाला दुनिया की सबसे बड़ी पुंगनूरू नस्ल की गौशाला है। वो बताते हैं, हमारे पास 1058 गौवंश है। यह दुनिया की सबसे छोटी पुंगनूर गाय की सबसे बड़ी गौशाला है। नस्ल सर्वेक्षण के आधार पर पशुधन जनसंख्या 2013 के अनुसार आंध्र प्रदेश में पुंगनूर गायों की संख्या सिर्फ 2772 थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पुंगनूर नस्ल के संरक्षण पर काम हो रहा है। जबकि साल 2019 में की गई 20वीं पशुधन गणना और NBAGR के अनुसार पुंगनूर गौवंश की संख्या 13275 है। यह देश में सबसे कम संख्या वाली गौवंश नस्लों में तीसरे नंबर पर है। सबसे कम संख्या वाली गायों की बात करें तो बेलाही नस्ल की गायों की संख्या सबसे कम 5264 है। दूसरे नंबर पर पनीकुलम, तीसरे नंबर पर पुंगनूर, चौथे पर वैचुर और पांचवें नंबर पर डागरी है। पुंगनूर के छोटे कद की वजह से इसे काफी लोग पसंद करने लगे हैं और इसका एक जोड़ा 1 लाख से 25 लाख तक में बिकता है। जितनी छोटी गाय होगी उतना ही ज्यादा इसका दाम होगा।